वो ठाकुर उसको बुला करके और पूछता है कि तुमने अपनी बेटी का नाम बाईसा कैसे रख दिया, और तुम अपनी बेटियों का नाम बाईसा रखोगे तो हम अपनी बेटियों का नाम क्या रखेंगे। और ये बड़ा सा सवाल है जो हर बार पूछा जाता है कि तुम घोड़ी पर बैठोगे तो हम कहाँ बैठेंगे, तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो हम कहाँ, हम क्या पहनेंगे। तो ऐसा ही सवाल कि तुम अपनी बेटी का नाम बाईसा रखोगे तो हम अपनी बेटी का क्या रखेंगे। उसने कहा कि कोई भी रख सकता है, संविधान है, कानून है, सबको समानता का अधिकार है, आप भी रख लीजिए, मैं भी रख लेता हूँ। उनका नहीं, तुम नहीं रख सकते क्योंकि ये बाईसा हमारे लिए रिजर्व है। और जब वो नहीं माना तो चुन्नीलाल नाम के उस आदमी को उसी ठाकुर के उस गढ़ के बाहर पीट पीट करके मार डाला गया। और इस सदमे से उसकी पत्नी पागल हो गई और उसकी वो थोड़े दिनों बाद डेथ हो गई। उसकी जो बेटी है वो विकसित होकर के और आज पागल खाने में वो बेटी रह रही है। तो आप अपनी बेटी का नाम नहीं रख सकते, आप सार्वजनिक नल से पानी नहीं खा सकते, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप अपनी मर्जी का चुनाव नहीं कर सकते, आप कहीं प्रेम करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं। तो कोई भी चीज जो कि संविधान देता है उसका मूलभूत मानवीय अधिकार है इंसान का, वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वो प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो जो सोसाइटी का माइंड सेट है वो अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं कि होगा आपका संविधान, हो गए आपके कानून, हम नहीं मानते। हम तो वही चीजें मानते हैं जो पहले से हमारे यहाँ चली आ रही, प्रथाओं को मानते हैं, रिवाजों को मानते हैं, खापों को मानते हैं, और वो उनसे जाति पंचायतों से निर्देशित होते हैं। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कानून है, संविधान है, लेकिन उसको लागू करने की जो एजेंसीज हैं वो ईमानदारी से उसको लागू नहीं कर रही है। और सारा जो संघर्ष गरिमा का या न्याय का और समानता का है वो महज इतना सा है कि जो संविधान आपने बनाया है उस संविधान को आप लागू कर दीजिए और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बात कर रहे हैं।